हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूमी स्टडी। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अंकित चावड़ा। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं सरफेस ग्राइंडिंग मशीन कैसे काम करती है। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं आपको इसकी वर्किंग। दोस्तों मैं आपको बताता हूं आपको आखिर सरफेस ग्राइंडिंग मशीन की जरूरत कब पड़ती है। हमारे पास सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल, जिसे कि हमें यूज करने के लिए यूज करनी पड़ती है पावर एक्सा मशीन। उससे हम क्या करते हैं, अपने मटेरियल को फ्लैट करके कुछ कटिंग्स करके फिर हमें यूज करनी पड़ती है सेपर मशीन, जिससे कि हम अपने मटेरियल को कोई शेप में काटते हैं जो कि रफ कटिंग होती है। उसमें हम 0.5 mm का टॉलरेंस लेके चलते हैं, जैसे कि हम फिनिशिंग में यूज करते हैं सरफेस ग्राइंडिंग मशीन की हेल्प से। मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस मशीन को यूज करके कैसे अपने मटेरियल या वर्कपीस का सरफेस ग्राइंडिंग करनी है। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। दोस्तों ये आपको मिल जाता है पावर ऑन ऑफ स्विच बटन, और ये आपके पास है वोल्ट मीटर, ये है आपके पास ग्राइंडिंग व्हील और उसका कवर, जो कि अब अगर आपके साथ इस मशीन को यूज करते हुए कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उससे आपको बचाने के लिए ये कवर इस्तेमाल में आता है। दोस्तों ये है हमारा मैग्नेटिक चक, और जिसके ऊपर हमारा अभी मटेरियल रखा है और ये अभी चिपका हुआ नहीं है, इससे मतलब हमारा मैग्नेट अभी काम नहीं कर रहा है, अभी डीमैग्नेटाइज्ड है हमारा मैग्नेट। तो हमारे मैग्नेट को मैग्नेटाइज करने के लिए हमारे पास ये लीवर है, जिसे हम टर्न करेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब आप देखें ये चिपक गया इससे, क्योंकि हमारा मैग्नेट यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि इसे मैग्नेटाइज करने के समय पे ऊपर आ जाता है और वो हर चीज को अपने से अटैच कर देता है, होल्ड कर लेता है। अब इसने इतने अच्छे से होल्ड करा इसे, अगर हम मशीनिंग करेंगे अब इसकी सरफेस ग्राइंडिंग करेंगे तो ये इतनी आसानी से छूटेगा नहीं। दोस्तों ये हमारा व्हील है, जिसे कि हम यूज कर सकते हैं अपने कैरेज को मूव कराने के लिए। ट्रांसलेटरी मोशन देता है ये, जिससे कि हम कटिंग करते हैं उसमें हेल्प मिलेगी। ये हमारा व्हील होता है, जिससे कि हम डेप्थ ऑफ फीड के लिए इस्तेमाल करते हैं, कितना हम अपने मैटर को आगे पीछे करें। और दोस्तों ये हमारा होता है व्हील, जिससे कि हम यूज करते हैं अपने डेप्थ ऑफ कट को, कितना कट हमें गहराई तक लेना है उसके लिए। तो इन सिंपल वर्ड्स, अब जैसे आपने ये देखा हमारा ये वाला व्हील क्या काम करता है, अगर हम एक्स वाई जेड डायरेक्शंस लें तो ये हमारा ऊपर और नीचे करता है हमारे इस बेड को, कैरेज को कहते हैं। और जो हमारा ये वाला व्हील है ये हमारा स्लाइड करता है वाई डायरेक्शन में। अब आप वाई डायरेक्शन में इसे मूव करेंगे और जो हमारा ये व्हील है ये काम में आता है जेड डायरेक्शन में मोशन देने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमें इससे हमें तीनों डायरेक्शन की मोशन मिल गए, एक्स वाई एंड जेड। दोस्तों मैं आपको मशीन यूज करके दिखाता हूँ कि आप इस मशीन को कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले करना होगा हमें मशीन का स्विच ऑन, और हमें ध्यान देना होता है कि हमारा जो व्हील है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दोस्तों जो हमारा मोशन है व्हील का, आप देख सकते हैं ये इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है व्हील का, जिसकी वजह से हमें अब जब फीड देनी है इसमें तो वो इस डायरेक्शन में होगी। अगर हमारा व्हील मूव करता इस डायरेक्शन में तो हमें फीड इधर से देनी होती, जिससे कि हमारा फीड अपोजिट पहुंचे व्हील के मोशन के। दोस्तों अगर बीच में हमारी लाइट चली जाती है मशीन को यूज़ करते करते तो इसका फेस चेंज हो जाता है, जो इसकी अभी डायरेक्शन है वो अपने आप अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम मशीन यूज़ करते हैं कि हमारी लाइट गई है तो वो अपोजिट मोशन में हमारा जो मशीन है यूज़ होगी, तो उसके लिए हमें फीड अब इधर की तरफ से देना पड़ेगा। अभी जो हम फीड देने वाले हैं अपनी मशीन को वो इस डायरेक्शन से होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ अगर आप कैसे मशीन को यूज़ कर पाए। डेप्थ ऑफ कट का इस्तेमाल करेंगे कि हमें कितना डेप्थ चाहिए कितना नहीं चाहिए, ठीक है इसे एडजस्ट करना है, हमने एडजस्ट कर रखा है। और फिर हमें यूज करना है कि कितना हमें फीड देना है उसे इस मोशन में। तो अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे फीड दे देते हैं, अभी आगे चला गया। अब इससे क्या होगा, हमारा मोशन होगा इस डायरेक्शन में, तो अब हम इसे यूज कर लेते हैं। ये देखिए देख सकते हैं हमने ये वाला सरफेस अभी ग्राइंड करा है, और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं हमने बहुत अच्छे से करने की कोशिश करी है, जो कि इसमें 0.1 mm का भी एरर ना रहे। तो आपको हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि इस मशीन को कैसे यूज करते हैं। और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे चैनल का नाम है यू मी स्टडी, लाइक बटन दबाएं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर सपोर्ट। If you like this video, like, comment, share and subscribe for more updates.